अस्सलाम वालेकुम जी बच्चा पड्डी, कैसे हैं आप लोग? देखिए इंशाल्लाह आज ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 10th क्लास के लिए, ठीक है? और जो बच्चे एंट्रेंस के लिए भी करते हैं डिप्लोमा 11th, उनके लिए भी। तो मैं चैप्टर 1 से मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 1 की मैंने एक क्लास पहले भी ली थी, ठीक है? उसमें दूसरा टॉपिक लिया था, मैं आज दूसरा नया टॉपिक ले रहा हूँ। ये कहिए एक्सरसाइज 1.1 से हम बात करेंगे, ठीक है सर? टू द पॉइंट बात कर रहे हैं जिससे कि आपको 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक समझ में आने लगे। डेप्थ बहुत ज़्यादा है हर चैप्टर की, हर टॉपिक की, तो उसमें बाद में जाएंगे। पहले कम से कम जिन बच्चों के पास मैथ्स की बुक है, और अगर जिनके पास मैथ्स की बुक नहीं है वो आप ऑनलाइन जाके, ठीक है, एक तो गूगल प्ले पे ई पाठशाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, तो ई पाठशाला डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स की सारी बुक्स आ जाती हैं, हर सब्जेक्ट की, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, उनसे एजुकेटर्स के लिए वो आ जाती हैं। दूसरा, आप वैसे भी जाके एनसीईआरटी की साइट पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी फिज़िकली बुक अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन बुक ले सकते हैं। और वैसे मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कैसे क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.1 से मैं बात करूँ तो मैं फिलहाल टू द पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट होती है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। 9th क्लास में भी एक चैप्टर आपने पढ़ा था, चैप्टर 5, जिसमें यूक्लिड के कुछ दिए गए थे, स्टेटमेंट्स दिए गए थे यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से। तो उसमें आपने पढ़ा था कि कुछ, तो ऐसे ही हमारे पास लेमा होता है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट हम मान के चलते हैं, जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम मान के चलते हैं कि ये है और उसके बिहाफ पे दूसरी चीज़ें हम प्रूव करते हैं, ठीक है? जैसे हम कह देंगे भाई सूरज तो पूरब से निकलता है, तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मान लेते हैं कि हाँ निकलता है और ये सच है, मतलब मान क्या है, ये सच है, उसके हिसाब से फिर हम आगे चीज़ें करते हैं। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड ने क्या कहा था एक्चुअली, अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं जो हम अब तक जानते हुए, कि जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक 5 है, ठीक है, और मेरे पास एक नंबर है 2, और मैं डिवाइड करूं, तो हमारे पास ये 2 नंबर हो गए, एक डिवाइडेंड और एक डिवाइज़र। अब आप क्या करोगे, जब डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, तो सर ये आएगा क्वेश्चेंट। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चेंट और फिर एक आएगा रिमाइंडर। तो यूक्लिड ने इसी को एक अच्छी सी लैंग्वेज में कहा, इसी रिजल्ट को एक बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में कहा कि 4 4 एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। प्लीज़ सब बच्चे ध्यान से देखिए कि एग्ज़ाम्स में सिर्फ इतनी सी चीज़ भी, ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के लिए। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो उस पर ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका, मैं भी बताऊंगा। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, वेयर ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज मोर देन 0 लेस देन बी। ये उन्होंने कहा। अब आप यहाँ देखो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था भाई, जब आपने डिवाइडेंड को लिया तो आपको पता है कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? तो 2 नंबर्स के लिए 2 और नंबर होते हैं, एक क्वेशेंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। तो अगर इसको आप ए कह दें और इसको आप ए कह दें और इसको आप बी कह दें, तो फिर आपके पास क्या है, ये आपने ए कहा, ये आपने बी कहा, तो ये क्यू है और ये आर है। तो इन चारों में क्या रिलेशन है, इन चारों में रिलेशन हो गया कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और जो आपका रिमाइंडर आता है वो हमेशा आपको पता है कि रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा या तो 0 आ जाएगा
और अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो डिवाइजर से छोटा होगा। दोबारा से समझ लीजिए इस चीज़ को कि भाई अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, डिवाइडेंड एंड डिवाइजर, तो आपके पास क्या आएगा? क्वेशेंट आएगा, और आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो या तो ज़ीरो आएगा या फिर ज़ीरो से बड़ा आएगा, लेकिन हमेशा जो बी है उससे छोटा ही आएगा। तो ये यूक्लिड ने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ मोर देन ज़ीरो लेस देन बी। तो एक तो स्टेटमेंट आपसे वन मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, वेयर ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज मोर देन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड लेस देन बी। ये हमसे पूछा जा चुका है कि भाई राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिविजन लेमा, और ये पूछा जा चुका है एंट्रेंस के अंदर कि भाई आर की कंडीशन क्या होती है। एलेवेंथ एंट्रेंस में जामिया अलीगढ़ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूक्लिड डिविजन लेमा में आर की कंडीशन, तो आर की कंडीशन ये होती है बेटे कि हमेशा रिमाइंडर जो होता है या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, बट बी से हमेशा छोटा होगा। तो ये था यूक्लिड डिविजन लेमा। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह।